हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये दिस इज़ सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और ये स्टैगर्ड फॉर्म में है। स्टैगर्ड फॉर्म में कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर एक सीधा वाई है और एक यहाँ पर उल्टा वाई है। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ मोर स्टेबल फॉर्म होती है। तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होता है एक्लिप्स फॉर्म में, बिकॉज़ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में होता है। तो इसको हम पहले एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पिछला वाला जो यहाँ पर कार्बन है, सपोज अगर इसको नंबरिंग दें तो ये 1 है, ये 2 है, सपोज अगर ये 3 है एंड ये दिस इज़ 4। तो इसमें 2 एंड 3 के वाला बॉन्ड ये है, 2 एंड 3 वाला, बाकी ये सीधा वाई है और यहाँ पर दिस इज़ 2 कार्बन एंड यहाँ पर भी सीधा वाई बना देते हैं ऐसे करके। ये सीधा वाई दोनों इसको सीधा करते हैं। मीन्स फर्स्टली वी विल डू दिस 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन थ्रू किस बॉन्ड, अराउंड अबाउट किस बॉन्ड, दिस C2 एंड C3 बॉन्ड। जैसे ही रोटेशन करते हैं तो यहाँ पर ये एक्लिप्स फॉर्म में आ जाता है, दोनों नीचे CH3। वी विल राइट एंड यहाँ पर आप लिखोगे पिछले एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने फ्रंट कार्बन को घुमाया है एंड दिस इज़। और यहाँ पर ये CH3 है और CH3 अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें मिलता है ब्रोमीन। तो यहाँ पर भी CH3 ये है, तो अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ पर ब्रोमीन लिखना चाहिए। सो वी विल राइट हीयर ब्रोमीन एंड हीयर हाइड्रोजन। तो ये आपका बन गया एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म सॉहर्स का ही एक्लिप्स फॉर्म। अब इससे इजीली हम बना सकते हैं फिशर फॉर्मूला। फिशर फॉर्मूले में क्या है, इस तरह से हम दिखते हैं लाइक 2 डायमेंशन में एंड वर्टिकल बॉन्ड्स एंड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स होते हैं। तो सपोज दैट दिस इज़ द कार्बन 2, दिस इज़ कार्बन 3 एंड यहाँ पर जो टर्मिनल पे हमेशा जो ग्रुप होते हैं यहाँ पर, जैसे ये CH3 और नीचे दोनों CH3 एंड ये इधर एच लेफ्ट में है, बी आर राइट में है। तो यहाँ पर एच लेफ्ट में, बी आर राइट में और इसमें यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, एच राइट में है थर्ड कार्बन पर एंड बी आर लेफ्ट में है, दिस इज़ द थर्ड कार्बन। सो दिस इज़ द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, FISCHR फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला।